दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज। मैं हूं आदित्य द्विवेदी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में वसंत विहार इलाके में घटना हुई थी। निर्भया नाम की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। एक चलती बस में अपने दोस्त के साथ आधी रात को जा रही थी और उसके साथ एक प्राइवेट बस में कुछ लोगों ने मिलकर बलात्कार किया और एकदम क्रूर उसका बलात्कार किया गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई और इस मामले ने खूब आक्रोश पकड़ा। उसमें उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 का शासन था और इस मामले में खूब तूल पकड़ा। बीजेपी ने भी इसको जोर शोर से उठाया, 2014 के चुनाव में नारा भी दिया गया और उसके बाद लोगों में आक्रोश इतना ज़्यादा था महिला सुरक्षा को लेकर और आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर कि कांग्रेस की सरकार चली गई। उसके पीछे और भी ढेर सारे कारण रहे होंगे लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा था महिला सुरक्षा का। उसके बाद अब आते हैं 2018 पे। दो केस इस वक्त बहुत तेजी से चर्चा में हैं, एक उन्नाव गैंग रेप का केस और एक कठुआ में जो 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का केस हुआ था। इस मामले पर इसके क्या सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और किस तरह से ये फैल रहा है पूरे समाज में, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं प्रकाश जी और हमारे साथ हैं रंगनाथ जी। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कठुआ मामले में, इसमें जो कहा जा रहा है, जो चार्जशीट में भी बात कही गई है कि इसके पीछे जो उनकी मंशा थी, बलात्कार और मर्डर के पीछे जो उनकी मंशा थी, उसको एक हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है कि वो चाहते थे कि वो वहाँ से जो कम्युनिटी है उसको विस्थापित किया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए, इस वजह से ये किया जा रहा है। आपको इसमें कितनी सच्चाई लग रही है? देखिए, उस इलाके में कुछ हिंदू कम्युनिटी के कुछ तबके, कुछ हिस्से जो हैं वो बहुत लंबे समय से इस कोशिश में हैं कि बकरवालों और गुजरों, जो मुसलमान गुजर हैं, उनको उस इलाके से हटाया जाए और डेमोग्राफिक बैलेंस करने के लिए, कि उनकी आबादी ज़्यादा ना हो जाए और उसको बैलेंस करने के लिए। और इसके बारे में तो इंटेलिजेंस को भी रिपोर्ट है, सरकारों की रिपोर्ट है, अखबारों में रिपोर्ट आ चुकी हैं, तो ये कोई इस तरीके की सोच कोई नई सोच नहीं है। और न ही बकरवालों पर अटैक के या उनको डराने धमकाने की ये कोई नई बात इसमें भी नहीं है। उसके बारे में भी कई रिपोर्ट्स हैं, कोई भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साइट पे जाके जम्मू कश्मीर के रिकॉर्ड में उस चीज़ को देख सकता है। ये मसला इसलिए बहुत ही ज़्यादा संगीन और परेशान करने वाला है कि आप इसको उस कम्युनिटी को डराने के लिए आप जिस तरीके का षड्यंत्र देख रहे हैं, वो षड्यंत्र और उस षड्यंत्र की जो परतें हैं वो बहुत खतरनाक हैं। एक लड़की का उसको अपहरण किया जाएगा, बच्ची का अपहरण किया जाएगा, उसको मंदिर में रखा जाएगा, उसको 4 दिन 5 दिन 6 दिन उसके साथ जो है जोर जबरदस्ती होगी उसको, और फिर उसको मार दिया जाएगा। और इस पूरे मसले में एक तो होता है कि कुछ कल्प्रिट्स होते मान लीजिए, लेकिन इसमें आप सोचिए कि कोई मंदिर का आदमी इन्वॉल्व है, जो कि मंदिर जिनके जिम्मे होता है वो समाज के थोड़े माने जाते हैं कि भाई इनका कुछ दखल होगा, इनका कुछ उसमें वो हस्तक्षेप होता है, समाज में उनकी एक जगह होती है। दूसरे इसमें सरकारी लोग इन्वॉल्व है, पुलिस का आदमी इन्वॉल्व है। उसके बाद आप इसमें भी देख रहे हैं कि रुपया पैसा का भी मामला हो रहा है और फिर हत्या मत करो, अभी रुक जाओ मुझे भी, अब आप समझिए। उसके बाद जो घटनाक्रम होता है उसको हम इस रेप और हत्या से अलग होके नहीं देख सकते। जब आप तमाम तरीके के दबाव डालते हैं और उस दबाव डालने के लिए आप एक हिंदू नाम से एक संगठन बनाते हैं, उस संगठन में राज्य की सत्तारूढ़ दल का नेता जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, बाद में जो सब्सिक्वेंट जो उसके प्रदर्शन होते हैं उसमें आप तिरंगा झंडा आप ले जाते हैं, आप भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, उसके बाद जब और भी आगे बात बढ़ती है, जब इंक्वायरी होती है तो आप चार्जशीट रोकते हैं, वो भी कचहरी में। अदालत तो न्यायपालिका है, वो एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट जगह है, लेकिन आप वहाँ भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं। और ये चीज़ें वकील करते हैं जिनके जिम्मे है न्यायपालिका को उसकी साख को बचाने की। और फिर जो आप और कुछ जुलूस प्रदर्शन करते हैं तो फिर मंत्री और विधायक भी उसमें शामिल होते हैं। तो जब आप पूरे चीज़ को देखते हैं तो ये कोई साधारण सांप्रदायिकता का मामला, साधारण अपराध का मामला नहीं रह जाता, ये कुछ और है और मुझे लगता है कि ये बहुत डरावना है।
इसमें हम एक अपडेट दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के जो जिन वकीलों ने कानून को हाथ मिले और चार्जशीट फाइल करते वक्त जो हंगामा कर रहे थे उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन को, जम्मू कश्मीर और कठुआ बार एसोसिएशन को नोटिस जारी भेजा है और उससे जवाब मांगा है। रंगनाथ जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जैसा प्रकाश जी से हमने सवाल किया, कि ये जो अपराध किया गया, बलात्कार और मर्डर का अपराध किया गया 8 साल की मासूम बच्ची के साथ, ये इसको आप खालिस अपराध की दृष्टि से देखते हैं या अपराध करने के बाद इसको एक ऐसा रंग दिया गया जिससे लोगों को सपोर्ट मिल सके वहाँ के लोगों का, या इसको इस तरह से देखते हैं? कठुआ मामले में एक खास बात यह है कि अपराध, जैसे सारे अपराध एक शब्द के अंदर हम नहीं कह सकते, कि जैसे मिठाई की चोरी और किसी खजाने की चोरी या मंदिर के खजाने की चोरी अलग अलग चीज़ें हैं। तो अपराध इस मामले में सबसे गंभीर बात है, जैसा प्रकाश जी कह रहे थे कि अपराध बढ़ता जा रहा है, गुरुतर होता जा रहा है। कि सबसे पहला अपराध क्या हुआ, हम उसके पृष्ठभूमि में नहीं जा रहे हैं कि सामुदायिक रंजिश है, जो हम दो समुदायों के बीच में वहाँ पे जैसा है बता रहे हैं रंजिश हो गया और विभिन्न समुदायों में ऐसे रहते हैं प्रतिद्वंदिता है। लेकिन जो अपराध शुरू हुआ कि एक नाबालिग लड़की को नाबालिग लड़के ने अपहरण कर लिया, वहाँ से अपराध शुरू हुआ कि वो उसको ले जाता है, उसके संग रेप करता है, अपराध बढ़ता है, उसके संग वो उस रेप में मंदिर में ले जाके करता है और मंदिर का पुजारी शामिल होता है, फिर उसमें पुलिस शामिल होती है, फिर वो दूसरे ज़िले से, दूसरे प्रदेश से अपने साथियों को बुला के उसको उसमें शामिल कराता है, फिर वो उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। तो इस तरह की कहानियां तो हमने चूंकि कई बार देखी होंगी कि बलात्कार से हत्या तक की बात है और नाबालिग की भी बात है। अब ये अपराध उससे भी आगे बढ़ता है कि जैसा प्रकाश जी ने सही कहा कि फिर उसको सत्ताधारी दल के नेताओं का समर्थन मिलना होता है, फिर स्थानीय 10,000 लोग या 5,000 लोगों का समर्थन मिलना। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक जघन्य अपराध हुआ, तो आमतौर पर स्वाभाविक, जिसको कहते हैं कि नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, प्राकृतिक वृत्ति जो है, अपराध के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन देखने की बात है कि वहाँ अपराधियों के पक्ष में लोग उतरने लगे सड़क पे, और उसको जिनके पास सरकार है, जिनके ऊपर नागरिक के जो सुरक्षा का दायित्व तो सरकार के ऊपर होता है, हम लोग जैसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर पहले के कानून में, अभी तक ये कानून है कि नहीं बदला है नहीं मुझे ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप आत्महत्या करते हैं तो भी आपके ऊपर केस चलता है, क्योंकि आप स्टेट की प्रॉपर्टी हैं, आपका हक नहीं है कि आप अपनी जान ले लें। एक काइंड ऑफ मर्डर मानता है स्टेट, पुराना स्टेट, अब इसको मानवीय बनाया जा रहा है कि नहीं ये तो। लेकिन जब आप, आपकी सुरक्षा, जानो मान की सुरक्षा, आप स्टेट के प्रजा हैं एक तरीके से, और आप जो रक्षक है वही, उसी के मंत्री आपके समर्थन में शामिल हो गए, पुलिस वाला शामिल हो गया, और उसके बाद सबसे जो और भी बुरा हुआ कि वकील बार एसोसिएशन ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के खिलाफ उतर गया। तो अब समस्या क्या कि आप किसके पास न्याय के लिए जाएंगे, कि जब कार्यपालिका आपके साथ हो गई, पुलिस वाले साथ हो गए, बलात्कारियों के साथ हो गए या कथित बलात्कारियों के साथ, न्यायपालिका के जो रहनुमा है या जो वहाँ पे उनके प्रतिनिधि हैं वो हो गए कथित बलात्कारियों के साथ, सरकार कथित बलात्कारियों के साथ उसके मंत्री हो गए, तो इस अपराध का जो स्तर है, एक लड़की के अपहरण, नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या का जो मामला था, अब ये सिर्फ उतना मामला नहीं रहा, ये पूरे भारतीय सिस्टम, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके ऊपर बड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए। और दूसरे, उसके बाद ज़्यादा शर्मनाक ये हो कि वो हिंदू मुसलमान के रूप में हो गया है, यानी अब मुसलमानों, हिंदुओं को लगने लगा कि अब उस बलात्कार का समर्थन हिंदू होना है। सबसे बड़ी दिक्कत जो पिछले कुछ समय से आ रही है, और जो पिछले 3-4 साल, ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, क्या बलात्कार पहले ना, हत्या पहले ना, नहीं होता था, लेकिन अब भारत माता की जय बोल के बलात्कारियों के समर्थन में आ जाना, राजस्थान में एक आदमी की, मैं ये नहीं कहता हूँ क्या था, भूल जाइए, हिंदू था, मुसलमान था, गोरा था, सिख था, ईसाई था, क्रिश्चियन था, हम उसको सबसे मूल रूप में लेते हैं कि एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य ने हत्या कर दी, और हत्या और जला के और मार के हत्या करने वाले के समर्थन में 10,000 लोग सड़क पे आ गए, और 10,000 लोग न्यायपालिका में घुस गए और न्यायपालिका की छत पे चढ़ गए और बोले कि नहीं ये तो हमारा हीरो है। तो समस्या क्या है कि हम सही मायनों में लोगों को बुरा मानते थे, और हम लोग जब थोड़े 10 साल पहले की बात है या 15 साल पहले जब तालिबान जैसी चीज़ें होती थी तो हमें आश्चर्य होता था कि कोई समाज इस बर्बरता तक कैसे पहुंच सकता है कि किसी को चौराहे पर जला दिया जाए और विरोध न करें। लेकिन अब हमारे समाज में हो रहा है कि कोई किसी को चौराहे पर जला दे रहा है और उसके समर्थन में 10,000 लोग आ जा रहे हैं, कोई किसी बच्ची को, मासूम बच्ची को, 8 साल की लड़की को रेप कर दे रहा है, पत्थर पर पटक के मार दे रहा है, और वो अपराध है, लेकिन अब उसके समर्थन में जो लोग आ जा रहे हैं, और तमाम तरह के जिन संस्थाओं के ऊपर रक्षा का दायित्व है, कहना चाहिए इस एक समय में सिर्फ मीडिया अगर हल्ला न मचाता तो, चाहे ये उन्नाव का मामला भी हो, उन्नाव में भी समस्या ये नहीं कि लड़की के संग सिर्फ रेप हुआ, अपराध हुआ है,
अगर वो लड़की के संग रेप हुआ है, आप लड़की थाने में गई, केस दर्ज होता, जांच होती, आरोपी छूट जाता या दोषी पाया जाता, ये सामान्य प्रक्रिया है। इस पर कोई आग बबूला नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता। मुद्दा ये है कि आप सामान्य प्रक्रिया ही नहीं फॉलो हो रही है, क्योंकि आरोपी सत्ताधारी है, उसके पक्ष में मुख्यमंत्री भी कह रहा हम कार्रवाई करेंगे करेंगे करेंगे, आज तक नहीं किया। और बड़ी मुश्किल से जब उस पर FIR होती है, लड़की पीड़िता का पिता मर गया, पीड़िता एक साल से न्याय मांग रही है और उसके विधायक के भाई के ऊपर आरोप है, तो समस्या बहुत गंभीर है और बेसिकली मानवीय संकट के रूप में आ गया। और सबसे दिक्कत की बात है कि हिंदुस्तान में संकट आ गया। जो लोग हंसते थे, हम जैसे लोग भी हंसते थे, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग हंसते थे लिटरली, कि कैसे अफगानिस्तान में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो, कैसे बर्बर चीजें हो जाती, कैसे किसी को कोई पत्थर से मार देता है और भीड़ देखती रहती है, कैसे कोई बच्ची को जमीन में गाड़ देता है और भीड़ देखती रहती है, कैसे कोई किसी को जला देता है जिंदा और भीड़ देखती रहती है और ताली बजाती है। अब वो हमारे देश में हो रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत कि सबसे बड़े धर्म के नाम पर हो रहा है कि अब हिंदू होना बलात्कारी होने का, मर्डर होने का लाइसेंस हो गया, कि अगर आप हिंदू हैं तो बलात्कार की और हत्या की आपको छूट मिल सकती है। अच्छा, मेरे मन में ये सवाल उठा है और बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में भी ये उठ रहा होगा, जानने की मुझे जिज्ञासा है, मैं प्रकाश जी से पूछूंगा कि ये जो लोग निकल रहे हैं, जो बलात्कारियों के अपराधियों के समर्थन में लोग झंडा लेकर और जय श्री राम का नारा लगा के निकल रहे हैं, क्या इनके पीछे फोर्स क्या है, क्या इनकी प्रेरणा है, क्या क्या कह के खुद को समझाते होंगे कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, ये अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, क्या है उनके पीछे? इस बात पे अपनी टिप्पणी करने से पहले मैं, जो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य बात है, हो सकता है कि वो कार्रवाई भी करेगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस संबंध में ये भी याद रखा जाना चाहिए कि 2 साल पहले पटियाला हाउस में, जो सुप्रीम कोर्ट से बहुत दूर नहीं है, वहाँ पर भी वकीलों के ग्रुप ने जो है बहुत हिंसा मचाई थी, बहुत तांडव मचाया था, कोर्ट रूम के अंदर जो है हमले हुए थे और उस मसले का कुछ नहीं हुआ, ना बार एसोसिएशन ने कुछ किया, ना उन वकीलों का कुछ हुआ और ना तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ किया और ना ही पुलिस में जो भी FIR हुआ होगा उस जमाने में उसका कुछ नहीं हुआ। तो आज के डेट में जब हम देख रहे हैं कि किसी सत्तारूढ़ दल का कोई नेता या बहुत सारे नेता, इनफैक्ट एक दो नेता नहीं, बहुत सारे ऊपर से लेकर नीचे तक जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, पुलिस वाले जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं या न्यायपालिका में जिस तरीके से लापरवाही या लचरता दिख रही है, इसमें सबसे बड़ा संकट सिर्फ ये नहीं कि किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब हमारा इंस्टीट्यूशन बचेगा कि नहीं, हमारा सिस्टम बचेगा कि नहीं, और कुछ और हम हो जाएंगे। अब आपने जो ये बात कही कि वो कौन लोग निकल रहे हैं, अब देखिए वो जो पहला जुलूस निकलता है इनका ऑफिशियली, उससे पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ, जो जुलूस पहला निकलता है वो हिंदू एकता मंच या कुछ होता है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता इन्वॉल्व है, उसका सेक्रेटरी है या इंचार्ज है। उससे पहले ये भीड़ ऑलरेडी एक बहुत और जघन्य चीज कर चुकी है कि उस बच्ची की का जब उसकी डेड बॉडी आती है, अच्छा उसमें भी लफड़े हुए हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ कुछ दाएं बाएं हुआ है, उसके कपड़े गायब हैं और ठीक से जो है वो चीज़ें नहीं हुई हैं, लेट से हुई हैं, और जब वो दफन करने के लिए उसको ले जाया जा रहा है तो उसके गांव में उसके अपने जमीन पे जो है उसको दफनाने नहीं दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है और उसको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर कहीं पे जो है जगह मिल रही है। तो ये सिर्फ वो भीड़ नहीं है, ये रामनवमी का दंगा हो, ये पटियाला हाउस की मारपीट हो, वो बार काउंसिल हो, ये चेहरे बहुत आराम से आप पहचाने जा सकते हैं। ये अच्छा हो सकता है, चूंकि हम लोग उनको नहीं जानते हैं इंडिविजुअली पर्सनली, लेकिन हम उन्हीं की तरह बतियाने वाले और लोगों को तो जानते हैं, जैसे आज भाजपा की एक सांसद कह रही हैं कि अरे विरोध करने का क्या है, कल दलित दलित कर रहे थे, परसों माइनॉरिटी माइनॉरिटी कर रहे थे, अब आज ये वीमेन वीमेन कर रहे हैं। अफसोस की बात है, खुद एक वीमेन है। एक मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बोल रहा है कि अरे इसमें पाकिस्तानी एलिमेंट हो सकते हैं। अब भाजपा के नेताओं के वीडियो और फोटो आ रहे हैं उस जुलूस में, भारत तिरंगे झंडे की वो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, बार काउंसिल के लोगों का नाम आ रहा है, उसमें पाकिस्तानी एजेंट कौन है, फिर उनसे पूछा जाना चाहिए। कोई विधायक उत्तर प्रदेश का ये कह दे रहा है कि रेप तो 3 बच्चों की माँ का नहीं हो सकता। तो ये जो मेंटालिटी है कि हमारे नेता, हमारे रेस्पॉन्सिबल पदों पे बैठे हुए लोग जो है वो उन्हीं ट्रोल्स की भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं आतताइयों की भाषा बोल रहे हैं जो लोग इस तरीके के कामों को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा अब ये कह देना बहुत आसान है कि आज मान लीजिए कि जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उस बच्ची के लिए, उनको आप सांप्रदायिक कह सकते हैं कि ये लोग सांप्रदायिक रंग दे रहा है या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहा है, ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करना चाह रहा है। तो भाई वही लोग जो इस बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, वही तो उन्नाव के लिए भी मांग रहे हैं।
और मैं तो कह रहा हूं कि वो लोग तो उन 1,00,000 केसेस जो लंबित हैं आपकी कचहरियों में विभिन्न कारणों से, कहीं इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं है, कहीं पॉलिटिकल दबाव है, कहीं पैसा खेल कर रहा है, कहीं जज साहब कोई फुर्सत नहीं है, कहीं वकील जो है वो आगे पीछे तारीखें बढ़ा रहे हैं, तो एक स्त्री की या एक महिला की या एक किसी पीड़िता की के लिए न्याय का की मांग जो है वो किसी भी वैसे पीड़िता के न्याय की मांग के साथ ही जुड़ती है। तो दिक्कत अब चीज़ें कुछ मुझे लगता है कि शायद साफ हो रही हैं कि वो कौन लोग हैं जो न्याय के पक्ष में खड़े हैं और वो कौन लोग हैं जो आतताइयों के पक्ष में खड़े हैं। तो आप उनकी मेंटालिटी के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। उनके प्रवक्ता जो है आपके आपके संसद में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं और सरकारों में बैठे हैं।